तो ये है वैनिटी वैन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं 9 बजे पहुंच चुका हूँ फिल्मिस्तान और आज है द ग्रेट ग्रैंड फिनाले। आज मैं सुबह सुबह भगवान से ये दुआ करके निकला था कि बस आज भाई जीत जाए। तो मैंने कभी भी आपको अपने ब्लॉग में वैनिटी नहीं ये बताई ना। तो देखो ये है वैनिटी, यहाँ एक सिटिंग एरिया है, ये भाई का मेकअप, और ये है वॉशरूम, और बाजू में दूसरी साइड है। अभी पहुंच चुके हैं, चलते नाश्ता कर लेते फिर देखते। इधर तो देख ये वाली अच्छी है वे। हाँ, तो भी सही है, एक नंबर। हमको नई वैन मिल गई अभी। यस, तीसरी वैन, मस्त है वे। इंटीरियर भी बहुत प्यारा किया है। लोग आ रहे यार, फिर से कर दिया क्या लोग? मैंने दबाया ही नहीं, फिर अभी फिर हो गया ना, देखो ना। हाँ तो अब भी वही बताने वाला था, अभी क्या करेंगे, फिर से इधर खोलना पड़ेगा यार। अभी ब्रेक है, कुछ खा लेते फिर वापस 45 मिनट्स में वापस शूट चालू होगा। अभी बज रहे हैं 5, मैं आ गया हूँ वैनिटी में, थोड़ी नींद आ रही है, सोच रहा हूँ थोड़ा 15-20 मिनट सो जाऊँ फिर वापस सेट पे जाऊँगा। 7:15 बज रहे, सोया लेकिन अच्छे से नींद नहीं आई, ऐसे बार बार आग बन चालो ऐसे आँखें लालची हो रही है यार, निशान आ गया सोते में। चलो चलते सेट पे, देखते क्या हो रहा है। Like कि कब चुप रहना है? That is your like. Yeah, like I tried in the last couple of questions. Correct. तो गाइस कल था फिनाले और ग्रैंड फिनाले था, भाई फिनाले तक पहुंच गया, यही बहुत बड़ी बात है। और उनकी जर्नी मतलब काफ़ी यादगार रही है। कल मैं आया रात को 4 बजे, पहुंचा सो गया, आज 3:30 बजे उठा हूँ और फाइनली हम 2 की रात को निकल रहे हैं दुबई। तो फाइनली हम 6-7 दिन के लिए जा रहे हैं दुबई, मैं भाई भाभी और अभिषेक और रूहान पहली बार जाने वाला है ट्रिप पे, तो काफ़ी मज़ा आएगा। बस उसकी भी तैयारी करनी है, खाली आज का दिन तो चलो निकल गया पूरा, मतलब कल का ही दिन है मेरे पास तैयारी करने के लिए, कल का ही पूरा दिन है। तो कल कैसे कैसे सब पैकिंग वगैरह जो भी 1-2 कपड़े मुझे लेने हैं वो सब मुझे लेने पड़ेंगे, टाइम बहुत कम है, टिकट वीज़ा और इंश्योरेंस सभी आ चुका है। इसी ट्विंकल को पता चला कि मैं दुबई जाने वाला हूँ और उसको मालूम है मैं स्कूटी पे कितना घूमता हूँ धूप में, तो पूरा मैं टैन वैन पूरा ये पड़ गया था। तो उसने मेरे लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर किए, बोला नहीं मैं ऑर्डर कर रही हूँ तुम लेके जाओ, और क्योंकि वो मुझे बोल के थक जाती कि सनस्क्रीन लगाया करो धूप में जाते हो, सनग्लास पहना करो, मॉइस्चराइजर लगाया करो, ये सब अपनी स्किन केयर किया करो, लेकिन मैं इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मतलब पहले देता था, मतलब ये कुछ टाइम से मैं बिल्कुल ऑफ ट्रैक चला गया था स्किन केयर में, तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो उसने मुझे कुछ चीज़ें ऑर्डर करके दी है मेरे स्किन के लिए, मेरे बालों के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे ट्विंकल ने स्किन केयर और मेरे बालों के लिए ऑर्डर करके दी है। पहली चीज़ ये क्या है भाई, ये है लोशन, अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन, चलो भाई ठीक है। और फिर ये है स्किन क्लेंजर, जो भी मैं यूज़ नहीं करता था, मतलब पहले कब करता था, अभी मैंने ध्यान देना छोड़ दिया था। ये है सनस्क्रीन, ये टिंटेड सनस्क्रीन है, क्योंकि उसको मालूम है मैं ये नॉर्मल सनस्क्रीन लगाता था तो फेस चिपचिपा लगता था, तो इसके लिए मैंने एक बार टिंटेड ट्राई किया था और मुझे पसंद भी आया था। और फिर ये है हेयर वैक्स मेरे बालों के लिए, और ये है हेयर स्प्रे, ये स्प्रे होल्ड भी देगा और शाइन भी देगा।
सो थैंक यू ट्विंकल मेरी इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, मतलब मेरे बिना बोले तुम इन सब चीज़ों का मेरे ख्याल रखती हो। बस अभी मेरी पैकिंग चल रही थी, ये सारी पैकिंग आपको दिखा दो क्या क्या चल रहा है इसके लिए। अभी मैं आपको दिखा दो मेरी कितनी पैकिंग हुई है और कितनी बाकी है। ना यार मैं दुबई जा रहा हूँ तीसरी बार। तीसरी नहीं है। तो कितनी बार जा रहा? तीसरी बार ही जा रहा हूँ। क्या चाहिए तेरे को दुबई से? चॉकलेट। चॉकलेट तो ले आऊंगा और कुछ? चॉकलेट बस। ठीक है चलो नायरा के लिए चॉकलेट ले आएंगे। तो अभी ये मेरे कपड़े पैकिंग हो चुके हैं। बाप रे, मतलब 7 दिन के लिए जा रहा हूँ ना। ये पूरा मैंने खाली कर दिया है और पूरा इसमें डाल दिया, मतलब 7-8 जींस डाल दिए, 8-9 है, और फिर 8-10 शर्ट डाल दिए, 2 ट्रैक पैंट और 2-3 टी शर्ट। तो पूरा इतना मैं इस बार देखो मैं इस बार मीडियम साइज़ का नहीं एकदम बड़ा साइज़ का सूटकेस लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि सामान बहुत है। और इसमें है सॉक्स वगैरह सब, और ये परफ्यूम में से भाई इतने सारे नहीं, 2 ही लेके जा जाता हूँ। इसमें से ये 2 मैं कम कर देता हूँ। फिर घड़ी भी ये है 3, और ये कुछ सनग्लासेस तो और है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा लेके जाऊँ। ये सारे भी है लेकिन इतना काम का नहीं, चलो 3-4 ही पहनूंगा, वही बहुत है। और ये जो मुझे वॉलेट दिया था भाई ने गिफ्ट मेरी सगाई में, तभी ये वॉलेट से इसमें चेंज करते हैं। मतलब मैं वेट ही कर रहा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं दुबई या कहीं आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा तब मैं शिफ्ट करूंगा ये वाले वॉलेट पे। तो चलिए बस अब मेरी थोड़ी सी पैकिंग और बाकी है। ये शूज़ वगैरह भी सब अभी डालने हैं। VIP में पता नहीं यार कैसे आएगा सामान, नहीं आएगा देखते। फाइनली मतलब बिल्कुल अनवाइंड होने जा रहे हैं दुबई, और अ मच नीडेड ब्रेक। चलो मज़ा आएगा, आज रात को निकलना है, सुबह 4 बजे की फ्लाइट है, तो 12-1 बजे तक पहुँचना, 12:30 तक यहाँ से निकलेंगे, तकरीबन 10:30-11 बजे। चलो ठीक है। चलो फाइनली पैकिंग हो चुकी है, जितना मुझे याद है उतना मैंने रख लिया है। ये रहे कपड़े, ये रहे शूज, परफ्यूम, सनग्लासेस, जूते तीन डाले, एक पहन के जाऊँगा, एक चप्पल भी डालनी है याद से। तो अभी बाहर से लाना है, ब्रश लाना है, 1-2 टी शर्ट लाने हैं, और करेंसी एक्सचेंज करानी है, तो वो सब जाके अभी कर ले। तो ज़्यादा टाइम नहीं, 2:30 बज रहे, रात को निकलना है। चले तो अभी मैं आगे वाली वीडियो, मेरे को 1-2 टी शर्ट चाहिए थी ऐसे डेली वेयर के लिए, और मतलब ये दुबई जाने के लिए। क्या चाहिए देखो उधर से सब चाहिए, परफ्यूम अच्छी। 1-2 शॉप्स पे इसको लेके गया, पसंद नहीं है मेरे को मतलब थोड़ा फंकी आइटम चाहिए था, और ये मेरे को मना कर रही बार बार लेने से। फंकी और छपरी में एक फाइन लाइन आती है जो ये पहचान नहीं पाता है। चल एक सॉक्स भी ले लेता हूँ, दिस वन। गोवा नहीं जा रहे दुबई में, तो दुबई में भी पहनते हैं लोग कलरफुल। ले ली एक टी शर्ट ली, पर अभी जूडियो से जो लेना था ले लिया, अभी जा रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज कराने, फिर करेंसी एक्सचेंज करा के सीधा घर। तो चलो मैं हो गया हूँ रेडी दुबई जाने के लिए, अभी बज रहे हैं 11:30, नीचे उतरते हैं निकलते हैं, और चेक इन टाइम इन है हमारा 12:30 बजे का। अभी चलते हैं, लेट होने से पहले सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। चलो दुबई, नायरा बाय। नायरा बाय अर्नव। क्या? चॉकलेट। हाँ तो ले आऊँगा ना। चलो मैं जा रहा हूँ, बाय। चलो बाय, अच्छे से जाओ, हैप्पी जर्नी, और जल्दी से वापस आओ। हाँ। जा रहा हूँ, बाय बाय नायरा। चलो भाई, दुबई ट्रिप इज ऑन, चलते हैं दुबई और मस्ती करते हैं। अरे देखो एक्साइटमेंट में मैं ग्राउंड बटन दबाना ही भूल गया। तो चलिए 11:30 बज चुके हैं, नीचे जाने का टाइम हो गया है, फटाफट निकलते हैं एयरपोर्ट और फ्लाइट पकड़ते हैं दुबई की। तीसरी बार जा रहा हूँ, तीसरी बार, और तीसरी बार भी उतनी ही एक्साइटमेंट है। जाते जाते मतलब कुछ ना कुछ चीज भूलना तो जरूरी है, मैं एयरपोर्ट भूल गया ऊपर, तो अभी नायरा लेके आ रही है नीचे। ला चल बाय। चलो दुबई। चलो फाइनली हम पहुंच गए टर्मिनल 2 एयरपोर्ट, और दुबई जाने के लिए तैयार। बस भाई भाभी का वेट कर रहे हैं, वो जल्दी से पहुंच जाए तो फिर अंदर एंट्री होने के।
don't say goodbye. All we need is one night in Dubai. Close your eyes and dim the lights. All we need is one night in Dubai. Yeah.